नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। भारत सरकार ने 31 मार्च को अलग अलग राज्यों के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया और एक साथ इतने प्रोडक्ट को पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश से 10, एमपी के 1, छत्तीसगढ़ से 1, तमिलनाडु से 11 प्रोडक्ट, लद्दाख से 1, जम्मू कश्मीर से 8 और बिहार से 1 प्रोडक्ट चुने गए हैं। अभी आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग किसी विशेष जियोग्राफिकल एरिया में उत्पादित पदार्थ होते हैं या ऐसे पदार्थ या वस्तु जिनकी पहचान किसी खास एरिया की वजह से है। जीआई टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है, उसके अंडर में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। जीआई टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किया जाता है। सबसे पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग टी को यानी दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, और अभी जो 33 नए जीआई टैग मिले हैं, इसके बाद पूरे भारत में टोटल 465 जीआई प्रोडक्ट हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में अब टोटल 45 जीआई प्रोडक्ट हो गए हैं। अभी तक 35 थे और इस 45 जीआई टैग में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनारस और आसपास के एरिया का है। इस क्षेत्र में टोटल 20 जीआई टैग हैं, 45 में से 20 सिर्फ बनारस और आसपास के जिलों से। आइए एक एक करके देख लेते हैं कि ये 33 नए प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले बिहार का देख लेते हैं। बिहार में सिर्फ एक प्रोडक्ट है, मर्चा चावल। ये मर्चा चावल काली मिर्च जैसा होता है, छोटा छोटा, थोड़ा गोल आकार में, इसलिए इसको मर्चा चावल बोलते हैं। ये पॉपकॉर्न का थोड़ा महक आता है इसमें, ज़्यादातर इसको चूड़ा बनाने में यूज किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बनारसी पान, पान का पत्ता जो होता है, बनारसी लगड़ा आम, रामनगर भंटा, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना ककड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस का हींग। ये टोटल उत्तर प्रदेश से 10 प्रोडक्ट हैं। मध्य प्रदेश से रीवा सुंदरजा आम, इसमें जो है फाइबर की थोड़ी कमी होती है और ये शुगर भी इसमें कम होता है, तो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो भी इसको खा सकते हैं। लद्दाख से एक है लद्दाख सिंग स्कोस, लकड़ी पे नक्काशी जो किया जाता है वो खास स्टाइल है लद्दाख का उसको। छत्तीसगढ़ से नगरी दुबराज, ये भी चावल है। तमिलनाडु से टोटल 11 प्रोडक्ट हैं, जैसे मन्नपराई मुरक्कू, कुम पनीर थचाई, ये अंगूर है। मार्तंडम शहर, ऊटी वर्की, मना मदुराई मिट्टी के बर्तन हैं, सलेम साबुदाना, औथूर बेनिलई, नेगामम सूती साड़ी, ये कपड़ा है। माइलड़ी पत्थर की नक्काशी, ये भी हस्तशिल्प ही है। सैकल रतन शिल्प, ये भी हस्तशिल्प है। सोल बंदन बेनिलई, एक कृषि प्रोडक्ट। जम्मू कश्मीर से टोटल 8 प्रोडक्ट हैं, जैसे बसोहली पेंटिंग, बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद वस्त्र, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, भद्रवाह राजमास, मुस्क मुददी चावल, उधमपुर कलादी, ये डेयरी उत्पाद है। रामबन सुलाई शहर और रामबन अनादाना, ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। टोटल ये 33 प्रोडक्ट हैं जो आने वाले एग्जामों में अक्सर पूछे जाएंगे, इसको आप लोग रट के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।